हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस के बारे में। देखिए इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस जो है इसको जानने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, इको सिस्टम क्या होता है और इकोलॉजी क्या होती है। इन दो टर्म को यदि आप अच्छी तरीके से समझ गए तो शायद है कि आपको यह सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी। देखिए समझिए, सबसे पहले समझिए कि इको सिस्टम क्या होता है, इको सिस्टम क्या होता है, इको सिस्टम, ठीक है, इको सिस्टम। इको सिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना है, इको सिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें एक होता है इको प्लस दूसरा होता है सिस्टम, एक होता है इको प्लस दूसरा होता है सिस्टम। तो ये जो सबसे पहले तो एक चीज समझिए कि जो इकोसिस्टम है वह वर्ड किसने दिया था, तो इकोसिस्टम जो वर्ड है वह आपके एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एजी टेंसले, एजी टेंसले ने दिया था, किसने दिया था, एजी टेंसले ने दिया था। अब ये जो एजी टेंसले थे इनका पूरा नाम ऑर्थर जी टेंसले भी कहीं कहीं लिखा है, तो वही जो ऑर्थर जी टेंसले या एजी टेंसले कह सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने इकोसिस्टम वर्ड दिया था। कब दिया था, सन 1935 में दिया था, ठीक है, सन 1935 में एजी टेंसले ने इकोसिस्टम वर्ड दिया था, ठीक है। बात करते हैं इकोसिस्टम जो वर्ड है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है उसमें इको और दूसरा होता है सिस्टम, जिसमें इको का मतलब होता है इकोलॉजी, जिसमें इको का मतलब होता है इकोलॉजी और दूसरे में सिस्टम का मतलब होता है इंटरेक्शन, क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब इंटरेक्शन होता है इकोलॉजी, देखिए इनकी थोड़ी हिंदी में भी हम बात कर लेते हैं कि इनको हिंदी में क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम को हिंदी में क्या कहा जाता है और इकोलॉजी को हिंदी में क्या कहा जाता है, क्योंकि इनमें डिफ्रेंसिएशन बहुत ही कम होता है, थोड़ा सा माइन्यूट सा अंतर होता है, समझिएगा। इकोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी, क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं या पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। और जो आपका इकोसिस्टम होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, क्या कहते हैं, पारिस्थितिक, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, या फिर इसे पारितंत्र भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पारितंत्र भी कहा जाता है, हिंदी में इसे पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र भी कहा जाता है इकोसिस्टम को, और इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी कहा जाता है, ठीक है। इसे सिस्टम का मतलब होता है इंटरेक्शन यूनिट, और इंटरेक्शन यूनिट को हिंदी में हम कह सकते हैं अंतरक्रिया, क्या कह सकते हैं, अंतरक्रिया इकाई, अंतरक्रिया इकाई कह सकते हैं, किसे, इंटरेक्शन यूनिट को, ठीक है। अब देखिए ये तो था आपका इकोसिस्टम, जिस जो कि आपका वर्ड किसने दिया था, एजी टेंसले ने सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में दिया था, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यह दो शब्दों से मिलकर बना है इको प्लस सिस्टम, इको प्लस सिस्टम से मिलकर बना है, जिसमें इको का मतलब इकोलॉजी और सिस्टम का मतलब इंटरेक्शन यूनिट होता है, यानी कि इकोलॉजी का पूर्ण मतलब पारिस्थितिकी और इंटरेक्शन यूनिट यानी कि अंतरक्रिया इकाई होता है, ठीक है। अब बात करें हम इकोलॉजी की, बात करें हम इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड, कैसा वर्ड, ग्रीक वर्ड, यानी कि यह जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, इकोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड, यह ग्रीक भाषा का शब्द है और यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, किन दो शब्दों से मिलकर के बना है, यदि हम इकोलॉजी को दो शब्दों में तोड़ते हैं तो वह कौन से दो शब्द बनते हैं, तो यदि हम इकोलॉजी को दो शब्दों में तोड़ते हैं तो वह दो शब्द ओ इकोस, ओ इकोस प्लस लोगोस होते हैं, क्या होते हैं, ओ इकोस प्लस लोगोस होते हैं, ओ इकोस प्लस लोगोस। तो इनका यदि हम शाब्दिक अर्थ समझें तो इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है, ओ इकोस का शाब्दिक अर्थ होता है अ हाउस, हाउस या हिंदी में इसे हम घर कह सकते हैं, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना, स्टडी, ठीक है, या फिर हिंदी में इसे हम अध्ययन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अध्ययन कह सकते हैं, ठीक है। इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे कि जो है आपका इकोलॉजी
का यदि हम मीन समझे तो इकोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड, दो शब्दों ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें पहला शब्द आपका ओइकोस होता है और दूसरा शब्द आपका लॉगस होता है। इसमें ओइकोस का मतलब हाउस होता है और लॉगस का मतलब स्टडी करना होता है, ठीक है, इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे। तो यहीं पर यदि हम बात कर ले कि इकोलॉजी होता क्या है, तो इकोलॉजी इज अ इकोलॉजी इज अ नेचुरल हैबिटेट, किसके लिए, जो आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके लिए जो है नेचुरल हैबिटेट होता है। अब नेचुरल हैबिटेट क्या है, यहां पर यदि हम बात करें कि नेचुरल हैबिटेट क्या है, तो नेचुरल हैबिटेट को हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक आवास। अब प्राकृतिक आवास क्या है, तो कह सकते हैं कि द एक्चुअल लोकेशन, ठीक है, जो उनकी एक्चुअल लोकेशन होती है, ठीक है, उस वह कहां पर रहते हैं, प्राकृतिक आवास जो उनका है वह कहां पर रहते हैं, कोई भी जीव जिसका प्राकृतिक स्थान होता है या प्राकृतिक आवास होता है वह कहां पर रहता है, उसी को जो है हम प्राकृतिक आवास या नेचुरल हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक आवास, द इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, किसकी स्टडी करते हैं, प्राकृतिक आवास का अध्ययन करना ही, यानी कि किनके प्राकृतिक आवास का अध्ययन करना, जीवों के या जीव समुदाय, जीव समुदाय की बात करें, यदि जीव समुदाय के प्राकृतिक आवास के अध्ययन को ही प्राकृतिक आपका इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं, इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे। तो देखिए जो आपका पारिस्थितिक यानी कि पारिस्थितिक तंत्र और इकोसिस्टम और इकोलॉजी में बस इतना सा ही अंतर है, और यहीं पर हम बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट की, ठीक है। तो जो आपका एनवायरमेंट होता है वह क्या होता है कि जितने भी आपके जीव समुदाय होते हैं उनको जो चारों तरफ से घेरे हुए है या सराउंडिंग ऑफ द लिविंग बींग्स, सराउंडिंग ऑफ द लिविंग बींग्स या जिनको चारों तरफ से घेरे हुए है वायुमंडल में, उसे ही जो है उन दोनों उन चीजों को आस पड़ोस की चीजें उनको साथ में मिला करके जो हम जो एक मंडल का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम पर्यावरण कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्यावरण या फिर एनवायरमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं, यानी कि जो हमें या हमें कह लें या जीव समुदाय को कह लें, तो जीव समुदाय को जो चारों तरफ से घेरे हुए है वही आपका होता है क्या, पर्यावरण या एनवायरमेंट, और जो उनका प्राकृतिक आवास होता है प्राकृतिक आवास के अध्ययन को ही हम पारिस्थितिकी कहते हैं या इकोलॉजी कहते हैं, इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो हमने आपको जीव समुदाय, एक इसमें वर्ड आया जीव समुदाय, तो देखिए जीव समुदाय क्या होता है, यहां पर आप समझ लीजिए, एक तो होता है आपकी जनसंख्या, ठीक है, और दूसरी होती है आपका जीव, और तीसरा होता है आपका जनगण, आपका कई प्रकार से जैसे आपने देखा होगा जीव एक होता है समुदाय और दूसरा होता है जीव और तीसरी होती है जनसंख्या। जनसंख्या में हम उन चीजों को इंक्लूड करते हैं जैसे किसी एक पार्टिकुलर जाति, जैसे हम पढ़ते हैं कि कोई भी जैसे मानव होता है, मानव का, मानव में दो चीजें होती हैं, उनका जो साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियंस होता है, तो होमोसेपियंस होता है, तो सेपियंस जो है इसकी जाति है, किसकी, मानव की, ठीक है, यानी कि जाति से मतलब यहाँ किसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं कि एससी ओबीसी या जनरल, इस प्रकार की बात नहीं, जाति से मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मानव की क्या जाति है, तो वह सेपियंस है। उसी प्रकार की यदि कोई एक जाति कि जब हम जब एक स्थान पर जैसे मान लिया हमने मानव को किसी ए ए नाम से दर्शा दिया या मान लीजिए चलिए एक्स से हमने दर्शा दिया, तो इसमें जितने भी आपके एक्स एक्स जितने भी पाए जाएंगे वह तो हो गया एक पार्टिकुलर मानव, या ऐसे हम कहते हैं जनगणना। और जब इनकी गणना के साथ साथ जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर ये गाय की जनगणना हो गई, एक्स हमने मानव की गणना कर ली, जब कई समुदाय आपस में मिलकर के एक नया एक जो समुदाय बनाते हैं उसे हम कहते हैं जीव समुदाय। तो इसमें जो है जितने भी आपके सजीव होते हैं, जीव समुदाय में आपके जितने भी सजीव लिविंग बींग्स होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि उनका समुदाय ही जीव समुदाय कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मानव की बात नहीं हो रही है, जितने भी आपके लिविंग बींग्स हैं उन सभी को जो आपस में चारों तरफ से घेरे हुए है वही आपका पर्यावरण होता है, और इसके अध्ययन की शाखा को हम इकोलॉजी कहते हैं। लगभग इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में, इकोलॉजी लगभग आप समझ गए होंगे इकोलॉजी क्या होता है। उसके बाद देखिए बात करते हैं थोड़ी सी इको
इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम क्या होता है, देखिए जो आपका इकोसिस्टम है वह क्या है, ये है आपका इकोसिस्टम। यहीं से हम चलिए देख लेते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। तो जो इकोसिस्टम होता है यानी कि इकोसिस्टम वातावरण में कैसे काम करता है और इस पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इकोसिस्टम पर, इसको इकोसिस्टम पर कार्य करने वाले दो मुख्यतः कारक होते हैं या कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम एक तो घटक होता है आपका एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक, ठीक है। तो पहला घटक यानी कि पहला कंपोनेंट इसका होता है एबायोटिक, एबायोटिक, ठीक है, और दूसरा होता है बायोटिक। अब इसकी हम कुछ इस प्रकार से परिभाषा भी कह सकते हैं कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र जो होता है या पारितंत्र होता है वह दो दो घटकों दो घटकों में, कौन कौन सा घटक, एक तो एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। अब एबायोटिक में सभी निर्जीव आते हैं, सभी निर्जीव आते हैं, और बायोटिक में आपके सभी सजीव आते हैं, ठीक है, आपके सभी सजीव आते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो आपका पारस्परिक संबंध होता है, इन दोनों के बीच में जो आपका पारस्परिक संबंध होता है उसे ही हम कहते हैं इकोसिस्टम। इनके बीच में जो आपका पारस्परिक संबंध होता है उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर, यानी कि जो आपका इकोसिस्टम को, सबसे पहले जो इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर यूं कह लें कि इकोसिस्टम का निर्माण दो घटकों से होता है, एक तो आपका एबायोटिक और दूसरा बायोटिक, जिसमें एक घटक आपका एबायोटिक और दूसरा आपका बायोटिक होता है। तो जो आपका एबायोटिक और बायोटिक घटकों के बीच में जो संबंध होता है, जो पारस्परिक संबंध होता है, वही आपका इकोसिस्टम कहलाता है। आपस में ये संबंध बनाए रखते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए एबायोटिक जो आपका कंपोनेंट होता है, एबायोटिक कंपोनेंट जो आपका होता है उसे ईपी ओदुम इस प्रकार कह रहे हैं कि जो आपके एक वैज्ञानिक थे ईपी ओदुम तो ईपी ओदुम को ही, यहीं पर हम बात कर लें, ईपी ओदुम को ही फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। और इकोलॉजी वर्ड जो है वह किसने दिया था? तो इकोलॉजी जो आपका वर्ड है वह दिया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी वर्ड दिया था, कब दिया था? 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी वर्ड दिया था, और इकोलॉजी के जो फादर है वह ईपी ओदुम है। अब ईपी ओदुम ने इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले कारक में जो आपका एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट को तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में। तो ईपी ओदुम के अनुसार, किनके अनुसार? ईपी ओदुम पढ़ लें या ओडम पढ़ लें, आप जिस प्रकार से पढ़ सकते हैं, ईपी ओदुम के अनुसार एबायोटिक कंपोनेंट को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब अकार्बनिक यौगिक कह सकते हैं हम। अब अकार्बनिक यौगिक का मतलब क्या हुआ? अकार्बनिक यौगिक का मतलब इसमें वो सभी यौगिक आएंगे जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। अब कार्बन किसमें नहीं पाया जाता है? तो एक तो हो गया आपका जल, और दूसरा आपका जो है कार्बन नहीं पाया जाता है उसमें आपके तत्व आ जाएंगे, और तत्व में कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो है आपके सल्फर, कुछ ये तत्व जो है आपके किसमें आते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। जल तत्व और इसके साथ साथ कुछ गैसें भी आ जाती हैं। तो वे गैसें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले एक तो ऑक्सीजन, दूसरी यानी कि O2, CO2, N2, नाइट्रोजन, और इसके साथ साथ अमोनिया यानी कि NH3। तो ये जितनी आपकी गैसें होती हैं ये सभी आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही आती हैं। किसमें आती हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही आती हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर। यहां पर थोड़ा सा हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी निर्जीव होते हैं वो सभी एबायोटिक होते हैं,
और जितने भी सजीव होते हैं वो सभी बायोटेक होते हैं। अब देखिए निर्जीव क्या होते हैं और आपके सजीव क्या होते हैं। सजीव से मतलब यूं समझ लें कि जिनकी वृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वह सजीव कहलाते हैं, और जिनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता है निर्जीव कहलाते हैं। और सरल भाषा में यदि हम बात करें तो कह सकते हैं कि जो पानी पीते हैं वह आपके सजीव कहलाते हैं या बायोटिक कहलाते हैं, और जो है आपके जो पानी नहीं पीते हैं या अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भोज्य पदार्थों को नहीं खाते हैं वह आपके निर्जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला कंपोनेंट था वह था आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब दूसरा है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा क्या है आपका? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हिंदी में कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ का मतलब हुआ कि ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती हो कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब कार्बनिक पदार्थ होते कौन कौन से हैं, तो जैसे आपका आता है प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और आपका फैट हुआ, लिपिड, ये सभी जो है आपके कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, देखिए इनके बारे में यदि आपको सही से जानकारी लेनी हो तो मैं इस समय मिल्क डेयरी केमिस्ट्री के मैंने 3 वीडियो बना दिए हैं, और यदि उसमें जो है हम आपको अच्छे से जानकारी दे रहे हैं कि क्या कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और इनके बारे में विटामिन, फैट और आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स के बारे में हमने आपको सभी के बारे में लगभग बता दिया है। उसमें कुछ चीजें बची हुई हैं, उनके बारे में भी हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। उसके बीच में हमने आपका इस वीडियो को हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होती है, विटामिन होते हैं, फैट होते हैं, लिपिड्स होते हैं, इसके अलावा एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपके होते हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स या क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। क्लाइमेटिक में आपके कौन कौन से आते हैं, यानी कि जलवायुवीय कारक या कह सकते हैं जलवायु से संबंधित जितने भी आपके कंपोनेंट होते हैं तो उनके बारे में समझ लीजिए। जैसे जलवायु में आपकी एयर आती है, एयर मतलब वायु, दूसरी आपकी ह्यूमिडिटी के अलावा आपकी जो है रेनफॉल मतलब वर्षा आती है। ठीक है, एयर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और उसके अलावा लाइट आता है मतलब प्रकाश, और उसके अलावा टेम्परेचर आता है यानी कि तापमान। ठीक है, तो ये जो है आपके एबायोटिक फैक्टर्स हैं, यानी कि निर्जीव फैक्टर्स जो कि आपके इकोसिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। यदि इनकी कहीं ना कहीं कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो ये किसी ना किसी रूप में हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इनमें इसीलिए इनको कहा जाता है कि इनके आपस में पारस्परिक संबंध होता है, किसके? इकोसिस्टम को बनाए रखने में एक पारस्परिक संबंध होता है एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट के बीच में। ठीक है, इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि EPO2 के अनुसार एबायोटिक मतलब निर्जीव कंपोनेंट या निर्जीव घटकों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला था आपका इनऑर्गेनिक, हिंदी में कह सकते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में आपका जल आता है, तत्व तो आते हैं और गैसें आती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में यानी कि कार्बनिक पदार्थ जैसे आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट हुआ, विटामिन हुआ, फैट हुआ और लिपिड्स हुआ। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेटिक में आपके एयर है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता है, रेनफॉल मतलब वर्षा है, लाइट यानी कि प्रकाश है और टेम्परेचर मतलब ताप है। ठीक है, तो इतनी चीजें लगभग आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बायोटिक फैक्टर की। बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो बायोटिक फैक्टर्स जो है आपके ऐसे फैक्टर्स जो कि मतलब सजीव होते हैं। तो सजीव में कौन कौन से आते हैं, सजीव में देखिए क्या क्या होता है। तो बायोटिक कंपोनेंट को हम 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं, थोड़ा सा और ऊपर हम साफ कर दे रहे हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट इसको जो है 2 भागों में हमने विभाजित कर लिया। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं ऐसे जीव, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब यदि हम बायोटिक कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं, पशु आते हैं। ठीक है, तो
एक तो होते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक, 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 और दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक यानी कि, अच्छा ऑटोट्रॉफिक का मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं स्वपोषी, स्वपोषी, और इन्हें हम कह सकते हैं परपोषी। क्या कह सकते हैं? परपोषी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा ऑटोट्रॉफिक को हम ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, और हेटरोट्रॉफिक को हम हेटरो, हेटरोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, हेटरोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो जो आपका ऑटोट्रॉफिक है उसको यदि हम परिभाषा उसकी थोड़ी सी हम बारे में जानने की कोशिश करें, तो ऑटोट्रॉफिक मतलब ऐसे जीव, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। और परपोषी यानी कि हेटरोट्रॉफिक यानी कि ऐसे जीव या ऐसे पादप जो अपना भोजन, या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। किसके ऊपर? डिपेंड ऑन दी प्राइमरी प्रोड्यूसर, डिपेंड ऑन दी प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब है आपका जो प्रथम उत्पादक होता है उसके ऊपर यह जो है आश्रित होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक यह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो यह जब अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो इसे जो है मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर एक तो आता है आपका फोटोट्रॉप्स, फोटो फोटोट्रॉप्स, और दूसरा आता है आपका कीमोट्रॉप्स, कीमोट्रॉप्स। तो फोटोट्रॉप्स और कीमोट्रॉप्स, फोटोट्रॉप्स का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, संश्लेषी, और कीमोट्रॉप्स का मतलब होता है रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, ठीक है। तो जो आपका प्रकाश संश्लेषी होता है वह क्या होते हैं? तो ऐसे पादप जो इसमें जो है क्या आते हैं, इसमें आपके सभी पेड़ पौधे आते हैं, स्वपोषी में आपके सभी पेड़ पौधे आते हैं। तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण या कि प्रकाश की उपस्थिति में या फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्रहण करते हैं, प्रकाश फोटोट्रॉप्स कहलाते हैं। और कीमोट्रॉप्स, कीमोट्रॉप्स का मतलब होता है कि ऐसे पादप जो अपना भोजन रसायन संश्लेषण करके करते हैं वह जो है कीमोट्रॉप्स कहलाते हैं, और इसमें जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। किसके द्वारा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा इसमें जो है क्या प्राप्त होती है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा इसमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये तो ऑटोट्रॉप्स तो हो गए आपके दो प्रकार के, मेनली दो प्रकार के होते हैं कि फोटोट्रॉप्स और दूसरे आपके कीमोट्रॉप्स, ठीक है। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉप्स की। तो जो आपका हेटरोट्रॉप्स होता है वह भी आपके कई प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर एक पर तो आता है आपका होलोजोनिक, होलोजोनिक। तो होलोजोनिक का मतलब हुआ कि ऐसे पादप या ऐसे जीव, सॉरी पादप नहीं, ऐसे जीव जो अपना भोजन डायरेक्टली मुंह में खाते हैं, यानी कि डायरेक्टली मुंह का मतलब है जो मुंह से खाते हैं, ऐसे पादप या सॉरी ऐसे जीव जो अपना भोजन मुंह से खाते हैं होलोजोनिक कहलाते हैं। अब होलोजोनिक का मतलब इसको तीन भागों में बांटा गया। किसको? होलोजोनिक को। अब होलोजोनिक में एक तो नंबर पर आता है आपका हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, दूसरा आपका कार्निवोरस, कार्निवोरस, और तीसरा आपका आता है ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। तो देखिए ओमनीवोरस, कार्निवोरस और हर्बीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस वे जीव जंतु जो जो शाकाहारी होते हैं या सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों को खाकर के अपना जीवन यापन करते हैं, हर्बीवोरस कहलाते हैं। इसमें जो है आपके साग सब्जी में आपका क्या खाता है, शाकाहारी कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका रैबिट होता है, रैबिट के अलावा आपका डियर होता है मतलब हिरण होता है, उसके अलावा आपकी गोट होती है, ठीक है। तो ये जो है आपके हर्बीवोरस होते हैं। कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी, अब मांसाहारी में नंबर एक पर आता है आपका इंसेक्ट होता है, और आपका डॉग होता है, डॉग के अलावा आपका लॉयन होता है, लॉयन होता है, टाइगर होता है, ये जो है मांसाहारी होते हैं। ये किसी भी प्रकार से
घास फूस नहीं खाते हैं, ठीक है। और लॉयन और टाइगर तो बिल्कुल भी घास नहीं खाते हैं। कार्निवोरस को हिंदी में कहते हैं मांसाहारी, मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन मांस, इनका भोजन मांस होता है, मांसाहारी कहलाते हैं। और ओमनीवोरस में, ओमनीवोरस का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, यानी कि उनको जैसी जरूरत होती है वह खा लेते हैं। इसमें आपका एक तो मानव आता है, और दूसरा आपका भालू आता है। तो ये जो है शाकाहारी भी हो सकते हैं और मांसाहारी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीज लगभग आप समझ गए होंगे। नंबर एक था इसमें होलोजोनिक, यानी कि होलोजोनिक का मतलब हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, इसे तीन भागों में विभाजित किया गया। अब तीन भागों में विभाजित करने के बाद इसमें इसके एग्जाम्पल थोड़ा सा आप याद कर लेना। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, सर्वाहारी यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी जो दोनों को खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। इसमें आपका मानव और भालू जो है, बियर और मैन, ये आपके दोनों आते हैं। उसके बाद अगला है आपका, अगला है सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट या सेप्रोफिटिक, ठीक है। तो सेप्रोफाइट का मतलब होता है, हिंदी में से कहते हैं मृतोपजीवी। क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन, सड़े गले पदार्थ या फिर मरे हुए ऊतकों या उनकी कोशिकाओं से प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ तथा मरे हुए पदार्थों के ऊतकों से या उनकी कोशिकाओं से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी जीव कहलाते हैं। और इसमें जो है आपके आते कौन कौन से, इसमें आता है आपका फंगस, यानी कि कवक, और दूसरा आता है आपका बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये आपके सेप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका क्या आता है, इसके अलावा एक होता है आपका पैरासाइट। क्या होता है? पैरासाइट होता है। तो पैरासाइट यानी कि इसे हम हिंदी में कहते हैं परजीवी। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। तो परजीवी क्या होता है? ऐसे जीव जो किसी दूसरे पर आश्रित तो होते हैं और उनका जो है जीवन यापन किसी दूसरे जीव पर रहकर करते हैं, ठीक है। अपने आप को भी भोजन पहुंचाते हैं और दूसरे को भी हानि नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पैरासाइट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जू और दूसरी आपकी किलनी, ठीक है। और इसके अलावा देखा होगा आपने एस्केरिस, के बारे में आपने सुना होगा, और फीताकृमि, फीताकृमि जिसे हम टेप वर्म बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है टीनिया सोलियम, और एस्केरिस का साइंटिफिक नेम होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, ठीक है। तो पैरासाइट के अलावा इसमें जो है आपके फंगस भी हो सकते हैं जो कि दूसरे जंतु या जीवों पर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म को लेते हैं, शक करते हैं प्रोटोप्लाज्म, को, ठीक है। और सेप्रोफिटिक में क्या करते हैं? ये सॉल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं, मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से, उनकी कोशिकाओं से सॉल्यूशन के रूप में निकालते हैं किसको, जो है आपके भोज पदार्थों को लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद पैरासाइट, जू, किलनी, एस्केरिस, टेपवर्म। तो ये थी आज की जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और इसके अलावा हम आगे आपको जल्दी से जल्दी लेक्चर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे डेली के डेली लगातार, ठीक है। तो आप लोग देखिए सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। एक कमेंट, यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बता दिया करें कि वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।